गाइस मंदिर देखो भाई साहब, क्या कला है, क्या बनाया गया भाई, और क्या लाइटिंग की गई। तो भाई अंदर पहुंचने वाले हैं, सब वीडियो वगैरह बना रहे हैं यहीं से। देखते भाई मंदिर ये देखो भाई, प्रेम मंदिर के जस्ट सामने ही ये पूरा दृश्य है। श्री कृष्ण जी ने जब हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ गाइस सभी अच्छे होंगे। गाइस मथुरा वृंदावन सीरीज की अगले वीडियो में हम पहुँचे भाई प्रेम मंदिर। मैंने आपको बोला था भाई इस कौन मंदिर से मैं सीधा प्रेम मंदिर की अगली वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी, 8 से 9 एपिसोड्स आ चुके हैं इस सीरीज के, तो भाई अपने सारे एपिसोड पर जाके विजिट करें। तो आज हम आपको भाई पूरा प्रेम मंदिर विजिट कराते हैं। भाई पीछे दिख रहा होगा कितनी भव्य सजावट कर रखी है भाई लाइटिंग से। रात के टाइम तो ये मंदिर भाई बहुत ही प्यारा हो जाता है, और आसपास का जो परिसर एरिया भाई वो तो और ज़बरदस्त है भाई। बहुत ही यहाँ पे पूरा शेषनाग का दृश्य बना रखा है भाई, पहाड़ वगैरह टाइप से बना रखा है। तो आपको पूरा मंदिर लेके चलते हैं, विजिट कराते हैं भाई। मैंने एंट्री ले तक रात को एंट्री होती है भाई, मात्र 9 बजे तक। और ये देखो भाई कितना प्यारा लग रहा है भाई मंदिर। गाइस मंदिर देखो भाई साहब, क्या कला है, क्या बनाया गया भाई, और क्या लाइटिंग की गई है भाई। इसकी लाइटिंग चेंज भी होती है, अभी ग्रीन दिख रहा है ना आपको। अब ये देखो इसका कलर धीरे 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 चेंज होगा, बीच में आ गया देखो ब्लू, पिंक। तो ऐसे पूरी मंदिर की लाइटिंग ना चेंज होती रहती है, कभी रेड हो जाती है, कभी ब्लू हो जाती है, कभी पिंक हो जाती है। तो अब देखो भाई ये देखो, और लाइट ग्रीन हो गया अभी ये। तो भाई अभी हम इसके पास चलेंगे, लेकिन इससे पहले रास्ते में ही एंट्री करने के जस्ट ही आपको यहाँ पे भाई कुछ दिखेगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखो भाई पूरा वो दृश्य जब कालिया नाग के सिर पे डांस किया था श्री कृष्ण जी ने, पूरा उसका यहाँ पे भाई पूरा बना रखा भाई। देखो श्री कृष्ण जी और कालिया नाग भाई हलता हुआ भी दिख रहा है, ऐसे डांस कर रहे हैं। एक बार इन्हें ध्यान से देखो भाई, ज़बरदस्त है, बिल्कुल एक नंबर का दृश्य है। अभी मैं चलता हूँ भाई आगे, आगे से और अच्छे से सामने से दिखाता हूँ भाई। देखो आगे लाइटिंग कर दी बंद, और यहाँ का मंदिर देखो भाई अब ब्लू हो गया मैंने। तो भाई जब कर रहे हैं मंदिर की परिक्रमा, ये देख लो, और अब पास में आ गए बिल्कुल। अब देखो भाई अब इसका कलर हो रखा है पिंक। तो जल्दी से मंदिर की परिक्रमा करके मंदिर के चलते अंदर, क्योंकि भाई मंदिर 8:30 बजे हो जाएगा बंद, और अभी 10 मिनट ही बाकी है मंदिर बंद होने में। जल्दी जल्दी चलते हैं भाई। अभी आ गए हम प्रेम मंदिर के एंट्री द्वार पे, जल्दी से चलते हैं मंदिर के अंदर। सामने से मंदिर बिल्कुल ऐसे है भाई, देख लो इतना भव्य मंदिर जो है लग रहा है, दिख रहा है। अभी चलेंगे इसके अंदर और आपको दर्शन कराएंगे भाई। तो भाई अंदर पहुंचने वाले हैं, सब वीडियो वगैरह बना रहे हैं यहीं से। देखते भाई मंदिर फोन की एंट्री होती है या नहीं होती, पर लेके तो जा रहे हैं बहुत सारे लोग फोन को। चलो चलते हम भी कमेंट में एक बारी जय श्री कृष्णा जो लिख दो भाई, बनता यार ये तो। पास
तो आगे बहुत भीड़ है भाई, वहाँ से नहीं दिखेगा, तो यहीं से देख लेते हैं और कर लेते हैं। जय श्री राम। एक नंबर भाई मंदिर, एक नंबर भाई। ये पूरा ऊपर देखो भाई, झूमर देखो कितना जबरदस्त लग रहा है। और यहाँ पे देखो भाई, पूरे पे जो है लिख रखा है। चेक करो मंदिर भाई, अंदर से एक नंबर है भाई। कृपालु जी महाराज, और ये पूरा मंदिर परिसर। यहाँ से परिक्रमा हो रही है भाई, भीड़ इतने के नंबर आने वाला ही नहीं है। भाई अंदर से दर्शन कर लिए भाई, बिल्कुल पास से जाके भी। अपने वीडियो में देखा होगा भाई, कमेंट में जैसे कृष्ण लिख दो, जैसे राधे राधे लिख दो भाई, तो कितने प्यारे दर्शन बिल्कुल नहीं हो सकते। अभी दिखाते हैं आपको बाहर का मंदिर के बाहर का परिसर पूरा, विजिट कराते हैं अंदर से, बाहर चलते हैं। ऊपर जा रहे हुए श्री सीताराम जी विग्रह दर्शन, फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलते हैं भाई, ऊपर भी चलेंगे भाई। जब जा रहे हैं भाई श्री सीताराम जी विग्रह दर्शन फर्स्ट फ्लोर की तरफ, सीढ़ियों से ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। सारे गुरुओं की मूर्तियाँ लगा रखी यहाँ पे, जगत गुरु शंकराचार्य, रमणुजाचार्य, दिमकराचार्य, माधवाचार्य, इधर आपके जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य। अब चलते आगे, राम विग्रह। ये मंदिर यहाँ पे भी वही वाला देखो, कौन सा है जी, और श्री सीता माता जी, और ऊपर का पूरा हमने विजिट कर।
मंदिर में दर्शन होने के बाद भाई लोग निकल रहे हैं की तरफ, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर दोनों का भाई दर्शन। अरे पैदल चलो, जब मत करो जाएगा सीढ़ी। बाहर आ गए भाई, थोड़ी गर्मी तो है अंदर, लेकिन बहुत ही अच्छा मंदिर, प्यारे मंदिर बना रखा भाई। ये तो आपको पता ही है कि कितना भव्य मंदिर है, ज़बरदस्त मंदिर बना रखा है। तो आ गए भाई बाहर, नीचे आपको भी यहाँ का जो परिसर एरिया है थोड़ा थोड़ा करके आपको वो विजिट कराता हूँ मैं। अभी देखते भाई किस कलर का रखा है प्रेम मंदिर, थोड़ा आगे चल गए। आगे भाई गोवर्धन पर्वत को तितली जो खाया था वो वाला दृश्य आगे बना रखा है, उधर देखो। यहाँ का परिसर जो एरिया जो रहता था, अब वो वाला एक बार विजिट कर लेते हैं, आपको पूरा मंदिर विजिट कराते हैं। ये देखो भाई प्रेम मंदिर के जस्ट सामने ही ये पूरा दृश्य है, श्री कृष्ण जी ने जब अपनी तितली पे गोवर्धन पर्वत को उठाया था तो इसका पूरा सीन जो है रिक्रिएट कर रखा है। और मंदिर देखो कितना प्यारा और भव्य लग रहा है, ज़बरदस्त। वहाँ पे देखो कृपाल जो है घास से लेकर रखा, और वहाँ पे श्री राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरा दृश्य जो है बना रखा है। यहाँ पे शिव जी का शिवलिंग और त्रिशूल, आगे की तरफ चलते हैं। ये वाला दृश्य देखो भाई कृपालू, यहाँ पे श्री कृष्ण राधा जी के साथ और गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं भाई, कितना ज़बरदस्त जो है बना रखा है। ये साउथ में ही है प्रेम मंदिर के साइड में ये रहने वाला है, और उधर श्री कृष्ण जी रथ पे जो है सवार हैं, और उधर गाय माता वगैरह, उधर पूरा उधर से इधर दूर से नज़र आ रहा है। तो ये पूरा यहाँ का भाई भव्य दृश्य है जो कि मंदिर के अंदर अवेलेबल है, कितना ज़बरदस्त मंदिर लग रहा है यार। प्रेम कण कण में प्रेम बसा भाई मंदिर के नाम से ही, नाम ही सिर्फ प्रेम मंदिर नहीं है, यहाँ पे प्रेम है रियलिटी में भाई। ये दृश्य देखो जब श्री कृष्ण जी अपने साथियों के साथ यहाँ पे माखन चुरा रहे हैं, और भाई मंदिर हो गया है बंद, लाइट वगैरह कर दी गई है बंद, और ये वो वाला दृश्य है भाई जब देवकी नंदन जी श्री कृष्ण जी को अपने सिर पे उठा के जा रहे थे, जो बारिश हो रही थी यमुना के अंदर से जा रहे थे, और शेषनाग ने इनको ऊपर से ढक रखा था पूरा, और उधर वो बच्चा बदल दिया गया था। तो आगे चलते हैं, आगे भाई भाई बेटियों के साथ यहाँ पे राष्ट्रीय लीला बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी केवल फिर से यहाँ पर रिक्रिएट कर रखा है। मंदिर हो गया भाई बंद, बच गए हैं लगभग 9, तो भी हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। लास्ट टाइम एक बारी प्रेम मंदिर को भाई ध्यान से देख लो, और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे एक बारी लिख दो भाई। सो गाइज भाई पूरा प्रेम मंदिर विजिट कर लिया, पूरा मंदिर परिसर, मंदिर अंदर से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, भगवानों के दर्शन पूरा अच्छे से कराया भाई मैंने,
उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको भाई प्रेम मंदिर बहुत ही प्यारा लगा होगा। अगर सच्चे में प्यारा लगा हो और आप भी जरूर यहाँ पे विजिट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो शेयर एंड कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी मथुरा वृंदावन सीरीज़ की अगली वीडियो में, जो कि अगले 2 दिन के बाद ही आ जाएगी। पूरी सीरीज चल रही है, 9 से 10 एपिसोड आ चुके हैं, पूरा मथुरा वृंदावन और बरसाना में विजिट कर रहा हूँ भाई। तो वीडियो को प्यार दे दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, फैमिली के साथ भी शेयर करो और भाई ऐसी वीडियो आती रहेंगी चैनल पे। अपना प्रेम मंदिर के साथ में अपना प्रेम भाई मेरे साथ बना के रखिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण, राधे 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 भाई लिख दो भाई कमेंट में।